दोस्तों मोटोरोला का अपकमिंग स्मार्टफोन मोटो जी 5G जल्द ही लॉन्च होने वाला है, लेकिन फोन की लॉन्चिंग से पहले मोटो जी 5G के फीचर्स लीक्स हो गए। वहीं लेनेवो ओल्ड कंपनी मोटोरोला का 7 जुलाई को एक इवेंट होने जा रहा है, जिसमें मोटो जी 5G के साथ मोटोरोला एज लाइट स्मार्टफोन को लॉन्च किया जा सकता है। और इसी इवेंट में मोटो जी 5G प्लस स्मार्टफोन को लॉन्च होने की उम्मीद की जा रही है। तो कुल मिला के यहाँ पे 3 स्मार्टफोन को लॉन्च किए जा सकते हैं। वैसे मोटो जी 5G प्लस स्मार्टफोन की फीचर्स के बारे में कंपनी ने कोई जानकारी शेयर नहीं की है। वैसे हमें किसी भी प्रकार की जानकारी मिलती है तो आगे भी इसी टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। फिलहाल के लिए मोटो जी 5G के फीचर्स की बात करें तो ये स्मार्टफोन 21:9 की एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले के साथ देखने को मिल जाएगा। वहीं कंपनी की तरफ से फिलहाल फोन की डिस्प्ले साइज का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन फोन में फुल HD प्लस रेजोल्यूशन और 90Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही एक वेबसाइट की रिवील रिपोर्ट के मुताबिक मोटो जी 5G के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे पंच होल डिस्प्ले मिलेगा और डिस्प्ले में डुअल सेल्फी कैमरा सेटअप दिया जाएगा, जिसका मेन कैमरा 8 मेगापिक्सल का होगा जबकि दूसरे लेंस 2 मेगापिक्सल के देखने को मिल जाएंगे। वहीं फोन के रियर पैनल पे स्क्वायर शेप मॉडल वाला क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। और इसकी डिजाइन की बात करें जो कि बिल्कुल हुआवे के नोवा 7i की तरह ही देखने को मिल जाता है। इसके मेन कैमरे की बात करें तो यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, इसके अलावा 4 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस, साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, इसके अलावा 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। साथ ही स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे मिड रेंज के 5G प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G चिपसेट का इस्तेमाल किया जाएगा और यहाँ पे मिनिमम 4GB रैम और 64GB के स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। कंपनी इसके साथ और भी स्टोरेज ऑप्शन में लॉन्च कर सकती है। इसके साथ ही फोन में एक्सटर्नल स्टोरेज का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों मोटो जी 5G में एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम प्री इंस्टॉल्ड रहेगा। वहीं सिक्योरिटी फीचर्स के तौर पे स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे गूगल असिस्टेंट का एक्स्ट्रा बटन भी दिया गया है। वहीं पावर बैकअप की बात करें तो यहाँ पे 4800 mAh की काफी बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, लेकिन फास्ट चार्जिंग फीचर्स के बारे में फिलहाल कंपनी की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिली है। वहीं अगर प्राइस की बात करें तो ये स्मार्टफोन 25,000 रुपए के आसपास में ही देखने को मिल जाएंगे और इसके साथ ही इसे 7 जुलाई को लॉन्च किए जाने की उम्मीद की जा रही है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।